अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत लंबा पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो आज हम जा रहे हैं LCWU बॉनफायर पे। इस जगह से हमारी हसीन यादें भी जुड़ी हुई हैं और कुछ बुरी भी। अपना कॉलेज आज तक किसको ही अच्छा लगा है। तो सबसे पहले हम आपको कराते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का टूर। अंदर एंटर होते साथ ही हम सबसे पहले पहुँच गए कैंटीन में, और हमारी कैंटीन में है चने भटूरे, दही भल्ले। हमने अपने पूरे इंटर में पूरा एक साल तो दही भल्ले ही खाए हैं, क्योंकि वो हमारे मोस्ट फेवरेट है। इसके बाद बिरयानी एक्सप्रेस है। अब तो ये कैंटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं थी, मतलब ये बाहर स्टॉल्स नहीं थे, बस अंदर कैफेटेरिया था, वहीं पे खाना पीना लगा रहता था। आगे ये सारी बेकरी आइटम्स है, इसके बाद ये स्लश पॉइंट है, वॉफल हर्ब है। और इतनी बड़ी अगर यूनिवर्सिटी है तो इतनी बड़ी कैंटीन तो होनी चाहिए। ये कैंटीन भी अगर आप आम रूटीन में देखें ना, तो इस पे रश का पहाड़ होता है। इसके बाद आगे जाके आ जाती है कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग। इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लगे हुए हैं बॉनफायर के लिए स्टॉल्स। मेन ग्राउंड में हमारा बॉनफायर था और इसके बाहर ही ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। पिछले साल तो इतने स्टॉल्स थे, इस दफ़ा बहुत मिकदार कम थी। सबसे पहले आ जाते हैं ये गोलगप्पे का स्टॉल, उसके साथ है फ्रेंच फ्राइज। जब पिछले साल हम इस कॉन्सर्ट में आए थे तो एक भी जगह खाली नहीं थी और पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। इस दफ़ा एक बात ये है कि इन्होंने इस्ट्राइल को बायकॉट किया हुआ है, तो कोक और पेप्सी का तो नामो निशान ही नहीं था, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद आ जाते हैं आइसक्रीम वाले अंकल। फिर हमारे लेफ्ट साइड पे है चाइनीज प्लेटर। इसके बाद आ जाती है जकी बाबा फ्रेंच फ्राइज। हमने खाने में आज क्या क्या खाया वो भी आप लोग को देखने में मिलेगा, अभी तो बहुत कुछ देखने को बाकी है। इसके साथ आ जाता है पान का स्टॉल, चिकन बर्गर, शवारमा। शवारमे के तो बेतहाशा स्टॉल थे। इसके बाद फिर से आ गए गोलगप्पे, और आगे जाके ये आ जाते हैं साजिद गोलगप्पे वाला, जो इतने मशहूर हैं। इनके तो दो तीन इंटरव्यू यूट्यूब पे भी इतने मशहूर हैं, ये इंग्लिश बोलते हैं। इस टाइम ये अवेलेबल नहीं थे तो हमने रात को इनका गोला ट्राई किया, वो भी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। और ये हमारे स्टॉल्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने कहा चलो आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का आगे टूर करवाते हैं। थोड़ा सा ही टूर करवा पाए क्योंकि हम बिल्कुल एंड टाइम पे गए थे और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हमने मेन ग्राउंड में भी जाना था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने अपनी सेल्फीज़ और वीडियोज़ भी बनानी थी, जो कि हर लड़की के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर वो रह गया तो समझ लो उसके तैयार होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद ये हमारे बॉनफायर है, बॉनफायर पे आ रहे थे इब्रार मलिक, और उसके बाद आना था हमारे सुपरस्टार मुस्तफ़ा जाहिद। ये साथ में है स्टूडेंट सर्विस सेंटर, इसके अंदर है जिम और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। वैसे तो वहाँ भी सारी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स ही होती हैं, पर कॉलेज की गर्ल्स भी ज़्यादा ही होती है हमारे कॉलेज के कैफेटेरिया में। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग है, और आपके चलते चलते पाँव ना दुखने लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी जाएँ तो मस्ट अपने जॉगर्स या शूज़ पहन के ही जाएँ, हील्स पहनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अपने पाँव दर्द के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे कैफेटेरिया में। इसमें सबसे पहले आ जाता है ये बारबेक्यू पराठा रोल, इसके बाद ये फिर से पराठा रोल और कबाब, ये सबके एक पूरा स्टॉल है। हमने इधर से कुछ ट्राई की नहीं है, जब नए स्टॉल लगे हुए हैं तो हम पुरानी जगहों से क्यों खाएं। इसके बाद ये अगले स्टॉल में दाल चावल है, नान हलीम है, और भी बेतहाशा फूड की वैरायटीज़ है। इतने फूड स्टॉल्स हैं कि आप हर किसी को तो ट्राई नहीं कर सकते, इसीलिए एक के पास जाओ सुकून से और खाओ पियो। और इतना रश हो जाना ना, अभी थोड़ी देर में इधर जैसे ही बॉनफायर स्टार्ट होना है तो लड़कियों ने कहना, या कुछ लड़कियाँ आके पहले खा लेती हैं और कुछ बाद में। हमने दोनों तरीके आजमाए किए, पहले भी खाना खाया, बाद में भी खाया, हम इतने भुक्कड़ हैं। फाइनली हम चले जाते हैं मेन ग्राउंड की तरफ, और ये हमारा बैक स्टेज नज़र आ रहा है। अंदर जाने से पहले हमने की थोड़ी सी पेट पूजा, तो हमने सबसे पहले खाया है शवारमा। मुझे समझ नहीं आई जंबो शवारमा किस चीज़ का नाम है, अंकल का चिकन की क्वांटिटी तो सेम ही थी। खैर शवारमा अच्छा था, लिटिल बिट स्पाइसी, पर जो स्पाइसी लेवल है उनके लिए तो अच्छा ही होगा। अब अपने स्पाइस लेवल को ख़त्म करने के लिए हम पहुंच गए स्लश लेने। अब स्लश लेने पहुंचे तो हमारी नज़र बेकरी आइटम्स पर गई, उससे हमने लिया सैंडविच और हम चले गए मेन ग्राउंड की तरफ। साथ साथ आपको प्राइस भी बताते जाते हैं, जो शवारमा था वो था 200 का, ये स्लश है 70 रुपीज़ का, इसके बाद जो हमने सैंडविच लिया था वो है 180 रुपीज़ का। इसके बाद हम हो गए ग्राउंड के अंदर एंटर। एंटर होते साथ ही ये कुछ स्पॉन्सर स्टॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कैफ़े फॉरेक्स, और इन्होंने हमें एक डील बताई जो आके आगे हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे, तो ये आप सुन लें। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम कैफ़े फॉरेक्स से हैं और 24% हम ऑफ दे रहे हैं आपके लाहौर कॉलेज में आकर। हमारा स्टॉल भी स्टार्ट हुआ हुआ है, तो आप ज़रूर इसमें रमज़ान में भी आएँ। हमारे फैमिली हॉल्स हैं, बार वगैरह है, तो इंशाल्लाह आप इन्जॉय करेंगे। थैंक यू। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो गूगल पे आप लोग सर्च करें और कैफ़े फॉरेक्स ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद आ जाता है कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा। ये लोग दे रहे थे रेडीमेड पिज़्ज़ा, मतलब अपने ब्रांड से पका पकाया पिज़्ज़ा लेके आए थे, पर हमें फ्रेश चाहिए था। इसके साथ है चीज़ियस। चीज़ियस को आप कौन नहीं जानता,
बहरहाल ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। और एक बात की समझ ही नहीं आई, जब आप लोगों के पास पूरा मेन्यू ही नहीं है तो आप लोग मेन्यू कार्ड दे ही क्यों रहे हो। खैर इनकी भी कोई गलती नहीं है, जगह लोगों के पास इतनी सी है, तो इन्होंने सिर्फ लिमिटेड सा एडिशन रखा हुआ था कि एक रेगुलर पिज्जा और एक लार्ज पिज्जा। और आगे ये स्पार्क्स वाले फोन दे रहे हैं, अल्ट्रा वॉच दे रहे हैं और एयरबड्स से। तो अगर आप हमारी स्टोरी लगाएंगे और हमें टैग करेंगे, हमारे स्टॉल की पिक्चर लगानी और टैग करेंगे। ये स्पार्क स्मार्टफोन से हम आगे गए, इसकी हमने स्टोरी भी लगाई, इनको टैग भी किया, पर इन्होंने कहा जब हमने स्पेन द व्हील किया तो हमारा ट्राई के नया, पर इन्होंने कहा अगर आपने वीडियो के लिए करना है तो आप स्पेन कर सकते हैं दोबारा, पर ये एक ही चांस है, जब आया लिखा हुआ ट्राई अगेन तो हम ट्राई अगेन क्यों ना करें। खैर इसके आगे है डी लैश की प्रोडक्ट्स, साथ ही इसके थे डर्मा के प्रोडक्ट्स, बस हम देख दिखा के आगे आ गए। और हमने इनका लकी ड्रॉ भी डाला पर निकला कुछ भी नहीं, मतलब हमारा नहीं निकला, बाकी लड़कियों का निकला। एक स्मार्टफोन दिया था इन्होंने, एक स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स। इसके बाद हम चले गए मेन ग्राउंड की तरफ, और बॉनफायर की टाइमिंग तो थी 4 to 8, पर इन्होंने बॉनफायर 6:15 बजे शुरू किया। पता नहीं किस वजह से, शायद मुस्तफा जाहिद लेट हो गए थे, क्या था इनको नहीं पता कि गर्ल्स हैं और उनका एक घर में एक लिमिटेड टाइम है। खैर जो भी था, अब हम यहाँ पे आके खड़े हुए, फिर वो कहते आधे घंटे बाद आए, फिर कहते एक घंटे बाद आए, अजीब, इन्होंने अपना भी एक तमाशा लगाया हुआ था। खैर जब कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इसकी जो सारी परफॉर्मेंसेस है वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। जवाब देंगे सारा उसी मिलके, 3, 2, 1, अस्सलामुअलैकुम एलसी। हम ये चीज़ें पे अपने पिज़्ज़ा का इंतज़ार करते हुए, सबसे पहले थे हमारे होस्ट हमजा, उसके बाद आए इब्रार मलिक जिनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आए मुस्तफ़ा जाहिद जिनकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए पर बहुत मज़ा आया। और ये हमने खाया चीज़ियस का कबाब क्रस्ट पिज्ज़ा। चीज़ियस की तो फिर अपनी बात है, और चीज़ियस को तो कोई बीट नहीं कर सकता। ये पिज़्ज़ा लाजवाब था और इसने इतना अच्छा हमारा पेट भर दिया था ना कि इसके बाद कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसके साथ हमने ली बिग एप्पल बोतल, लास्ट में हम गए ये साजिद गोले वाले अंकल के पास जिनकी इंग्लिश पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है। इस टाइम इन्होंने ज़्यादा इंग्लिश नहीं मारी, जब इनके पास ज़्यादा लड़कियों का रश होता है फिर ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। खैर इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखा करें इस गोले की ठंडक के साथ, खुद को भी ठंडा रखें। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग के प्यार की, आप लोग के मोहब्बत की। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।